हाय गाइस, दिस इज आकाश एंड यू वाचिंग मैजिकल टॉक विद आकाश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे, जो है स्टार्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्स से रिलेटेड सारे डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे स्टार्च क्या होता है, स्टार्च कैसे बनता है, स्टार्च को और किस किस नाम से जानते हैं, और स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। और फिर इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं स्टार्च के, जो कि हमारे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स फूड होता है जो कि कई सारे ग्लूकोज के कंबाइनेशन से बनता है। यानी अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। अब इतने बड़े बड़े वर्ड का क्या मतलब है? इस पॉलीसेक्राइड वर्ड में पॉली का मतलब होता है लॉट्स ऑफ, एंड सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, और शुगर ग्लूकोज को कहा जाता है। यानी इस डिफिनीशन का कहने का ये मतलब है कि जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसी कंपाउंड को हम लोग स्टार्च कहते हैं। ओके, अगर हम मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ कंबाइनेशन ऑफ सिंपलेस्ट फूड दैट इज ग्लूकोज। यानी स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है, तो जाहिर सी बात है कि ये सिंपलेस्ट फूड के कॉम्बाइनेशन से ही बना होगा। जब कई सारे ग्लूकोज एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, यानी हजारों ग्लूकोज जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर जब वो कंपाउंड बनाते हैं, तो उसी को हम स्टार्च कहते हैं। और स्टार्च और ग्लूकोज को हम एक जनरली नाम से जानते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ओके, और ग्लूकोज को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है शुगर। और स्टार्च को भी कभी कभी एमाइलम नाम से भी पुकारा जाता है। ओके, सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्च का अदर नेम है एमाइलम और ग्लूकोज का अदर नेम है शुगर, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम स्टार्च और ग्लूकोज दोनों की बात करते हैं तब हम उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सो अगर अब हम स्टार्च के फॉर्मूले के बारे में बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5(N+H2O)। ये आपके स्क्रीन पर भी मैंने लिख दिया है। सो अब हम स्टार्च के सोर्सेस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये देख लिया है कि स्टार्च कैसे बनते हैं, मीन्स हजारों ग्लूकोज मिलकर स्टार्च को फॉर्म करते हैं। तो अगर अब हम इसके सोर्सेस के बारे में बात करें कि ये हमें किस किस चीज से मिलते हैं, तो वो है पोटैटो, राइस, ईटीसी। ओके, काफी सारे सब्सटेंस हैं जिससे हमें स्टार्च मिलता है। सो अगर हम बात करें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टार्च का जनरल नाम है, कि ये हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है, तो फ्रेंड्स वो है एनर्जी। जी हाँ, स्टार्च जो होता है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारे बॉडी के ऑर्गन को बनने में हेल्प करते हैं, जैसे प्रोटीन। लेकिन जो ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप साइंस से रिलेटेड फैक्ट के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट लेकर आते रहते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो भी लाते रहते हैं। तो बस मिलते हैं फिर एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।